हेलो गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से ओपी स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बीवोस बिहार ओपन बोर्ड की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन दोबारा से एक बार दोस्तों जारी कर दिया गया है। पिछला नोटिफिकेशन में थोड़ा सा दोस्तों क्या मिस्टेक हो गया था, तो बिहार ओपन बोर्ड की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, मैं पूरा अपडेट देने वाला हूँ नोटिफिकेशन में क्या सुधार किया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी हमारे दिसंबर सेशन 2021 के स्टूडेंट है और जिनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है और जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो उनके लिए दोबारा से एक बार मौका दिया गया है। दोस्तों आप लोगों को जो है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था, नोटिफिकेशन में बताया था कि आप लोगों का जो है रीचेकिंग का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो चुका है और थोड़ा सा इसमें सब कुछ वही है दोस्तों, सारा कुछ वही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा आपका डेट जो है ना बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, पहले जब 30 वहां पे 30/4/2022 तक जो लास्ट डेट था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको डेट जो यहाँ पे 2 मई तक कर दिया गया, 2/5/2022 तक जो है अब आप रीचेकिंग करवा सकते हैं विदाउट लेट फाइन के, ठीक है ना। आपको जो है 200 रुपये लग रहे हैं, मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में सब यही बताया था, सारा कुछ बताया था, 200 रुपये लग रहे हैं, बैंक ड्राफ्ट 200 रुपये प्रति सब्जेक्ट लग रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी, अंक प्रमाण पत्र, मतलब कि जो आपने नेट से मार्कशीट निकाला है उसका फोटोकॉपी लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक अप्लीकेशन आपको लिखना है और स्टडी सेंटर के टीचर से जाकर के साइन मुहर करवाना है और जाकर के बी बॉस के ऑफिस में जमा कर देना है। अगर आपका कोई भी मिस्टेक होगा, नंबर आपको कम मिल गया है, बहुत सारे स्टूडेंट को जो है किसी किसी सब्जेक्ट में 0 मार्क्स आ गए हैं, तो दोस्तों 0 मार्क्स तो आते नहीं है, तो ऐसे में आपको जाकर के रीचेकिंग करवा लेना है और आपका 100% जो है मार्क्स उधर जाएगा काफी जल्द। जो उसके बाद जो है आप लोगों का मार्कशीट जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा 10 से 15 दिन में जो है आप लोगों का रीचेकिंग का कार्यक्रम जो है, जो भी है, मतलब 10 से 15 दिन में जो है आप लोगों का करेक्शन हो जाएगा, मार्कशीट नया बन के आ जाएगा और आपको जो है कोई परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है ना। दोस्तों आशा करता हूँ ये छोटी सी नोटिफिकेशन थी, ठीक है ना, मैंने आपको दे दिया। अब जो है डेट इंक्रीज कर दी, डेट जो है इंक्रीज कर दिया गया। पहले मैंने बताया था, यहाँ पर देख सकते सारा कुछ वही है यार, बस देख सकते हो नोटिफिकेशन में सब कुछ जो है, नोटिफिकेशन में सब कुछ वही है, ठीक है ना। बस तुम्हारा जो है यहाँ पर 2/4/2022 से क्या कर दिया गया, 2/5/2022 तक कर दिया गया, मतलब ठीक है ना, 2 मई तक अब अपना करवा सकते हो, समझ गए दोस्तों। तो चलिए, और एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक चैनल का लिंक दे दिया गया दोस्तों, ठीक है ना, मेरी अधूरी कहानी श्वेता दीदी का चैनल है, ठीक है ना। काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनके चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देने वाला हूँ, अगर हमारे मदद से जो है ना किसी की हेल्प होती है, ठीक है ना, तो करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप उनको भी जाकर कर करिए, ठीक है, उसे चैनल को विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया गया है, आप जाकर के वहां पर चेकआउट कीजिए। अगर हाँ लगता है वाकई में आप उनकी मदद कर सकते हैं, करनी चाहिए, तो जरूर जाकर के करें, ठीक है ना। दोस्तों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपको करनी चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, जाकर के आप करिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर है लेकिन दोस्तों आपको करना चाहिए। जैसे कि आपको मैं बता देना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है हम लोगों की जरूरत है, मदद की जरूरत है, अगर आप थोड़ा सा हेल्प कर देंगे। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था यार, उनके हस्बैंड जो है डेट कर गए हैं, ठीक है ना, मैंने उनका चैनल जो किसी तरह उनका चैनल जो है ना मेरे वीडियो जो है ना मेरे को सजेस्ट हो गया था और मेरे को देख के काफी ज्यादा अफसोस हुआ। लोग इस कंडीशन में है तो इस कंडीशन में जो है ना दूसरे की मदद करनी चाहिए, हम लोगों की हेल्प की जरूरत है तो मदद करनी चाहिए, ठीक है ना। दोस्तों मैंने वैसे उनका चैनल जो है बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में प्रमोट किया था उनका चैनल, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने सपोर्ट किया है, ठीक है ना। जिन्होंने अभी तक उन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, आप लोग जाकर के शेयर कर दे, ठीक है। अगर आप दूसरे की हेल्प करेंगे दोस्तों तो लाइफ में आप काफी ज्यादा आगे बढ़ेंगे, मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, काफी ज्यादा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया, वैसे आपकी मर्जी है, मेरे जितने भी समझदार स्टूडेंट है उन्होंने तो कर लिया है, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो जाकर के कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी और जाकर के रीचेकिंग का जो भी है प्रोसेस है मैंने सारा कुछ बता दिया, जाकर के आप जाकर के अपना जमा करिए। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता, अगर आपका फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं, जरूर मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और रिक्वेस्ट है दोबारा से मैं बोल देना चाहूंगा, उस चैनल को जाकर के, श्वेता मेरी अधूरी कहानी श्वेता दीदी का चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चैनल का लिंक दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चैनल का लिंक दे दिया, जाकर के विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना, और शेयर कर देना, ठीक है ना, उनकी छोटी सी हेल्प आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।